ये शोर मचा है, शोर फिल्म में बन जाने दी आ रहा हूँ। चोर मचाए शोर एक पूरी चोर मचाए शोर एक पूरी तरह मनोरंजक फिल्म मैं बना रहा हूँ, और आज का जो सीक्वेंस है वो एक ड्रीम सीक्वेंस में रानी चटर्जी जो हमारी इस फिल्म की हीरोइन है वो ड्रीम में हीरो को देखती हैं। कहानी में हीरो चोर होता है और रानी पुलिस वाली होती है, तो नेचुरली वो दिल ही दिल में मोहब्बत करने लगती है। तो ये ड्रीम सीक्वेंस में तो जो जैसा होता है सपने में आदमी उसको वैसे ही देखता है, ये मेरा विश्वास है। तो इसीलिए वो जेल के सीक्वेंस, जेल के अंदर एक चोर कैदी को देख के ये रोमांटिक गाना पिक्चर आई जा रही आकाश मेरा बेटा है, और मैंने कभी नहीं चाहा कि वो फिल्मों में आए, चूँकि मैंने ज़िंदगी में जितना स्ट्रगल किया है तो मुझे लगता था कि ये लाइन बहुत कठिन है, लेकिन होनी को कोई नहीं टाल सकता। और वो ख्वाहिश एक्टर बनने के किया, और एक पिता होने के नाते अपने बच्चे के हर ख्वाहिश के लिए, अगर वो मेडिकल पढ़ता तो भी मैं किताब और उसके कॉलेज का फ़ी देता। तो मैंने ट्रेनिंग उसको ज़बरदस्त तरीके से करवाया, एक्शन का, डांस का, और सबसे पहले उसने एक बंगला फिल्म में किया एज ए हीरो, काफ़ी सफल फिल्म थी। फिर 2014 में एक हिंदी फिल्म की उसने, ब्लड इश्क, जिसकी पूरी शूटिंग बैंकॉक में हुई थी। तो मैंने उसको महसूस किया कि ये लड़का मेहनती है, ये मेहनत करता है, सिनेमा की समझ रखता है, और चूंकि उसके पिताजी फिल्म इंडस्ट्री में हैं तो फिल्म लाइन के उतार चढ़ाव, इसकी मेहनत, किसी मंजिल को पाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, जब मंजिल मिल जाता है तो वहाँ टिके रहने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, वो लड़का बखूबी इस बात को समझता है। तो मैंने कहा ठीक है, और चूंकि मैं राजनीति से भी जुड़ा हुआ हूँ तो जब बिहार के चुनाव में मैं प्रचार कर रहा था या जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था तो मुझसे लोगों ने बहुत शिकायत की, बिहार वासियों ने, उत्तर प्रदेश के लोगों ने, कि आपने इतने वर्षों तक भोजपुरी में काम किया, क्या आपका बेटा सिर्फ हिंदी में करेगा? तो मैंने कहा नहीं, उसकी भाषा है, वो भोजपुरी में करेगा, आप लोग स्नेह प्यार आशीर्वाद उस बच्चे को दीजिए। ये सोचकर उसने अभी फिल्म शुरू की। अभी उसकी एक और फिल्म कंप्लीट हो गई है, तेरे जैसा यार कहाँ, जिसमें पवन सिंह और वो हीरो, वो फिल्म फरवरी में प्रदर्शित होने वाली है और इस फिल्म की शूटिंग चल रही है। दर्शकों की बात करें कुणाल जी, तो बहुत ही आशाएँ अपेक्षाएँ खुली हैं आकाश से, क्योंकि वो आपके नज़र में आपसे जुड़ा हुआ नाम कुणाल जी का आकाश, तो कितना वो जस्टिस कर पा रहा है? देखिए, बाप होने के नाते नहीं, मैं एक कलाकार जिसने 36 वर्ष भोजपुरी फिल्मों में सफर तय किया है, या भोजपुरी फिल्मों के चलते राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया हूँ, तो एक कलाकार की हैसियत से इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि वो मेहनती लड़का है, विनम्र है, उसे मालूम है कि अपने सीनियर्स की इज्जत कैसे की जाती है, उसे मालूम है कि सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलता, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, तो वो ज़रूर करेगा। और उसमें जो क्षमता है, मुझे लगता है कि दर्शक भी उसको सराहेंगे, लेकिन भविष्य को कोई नहीं जानता, वो उसकी मुकद्दर की बात होगी, वो उसकी मेहनत की बात होगी। एक बाप होने के नाते जितना कुछ सिखा सकता हूँ, मदद कर सकता हूँ, वो मैं कर रहा हूँ।